शिमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। ये है किशनगढ़। यहां पर हुकूमत चलती है ठाकुर जसवंत सिंह की, और ये है ठाकुर जसवंत सिंह की आलीशान हवेली। किशनगढ़ के लोग दिन भर खेतों में काम करते हैं और अपना पेट पालते हैं। आधे किसानों की जमीन ठाकुर जसवंत सिंह के पास गिरवी पड़ी है। इतना ही नहीं, जमींदारी खत्म होने के बाद, देश आजाद होने के बाद भी किशनगढ़ के लोगों को ठाकुर जसवंत सिंह को लगान देना ही पड़ता है, और जो भी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। ठाकुर ने सारे गांव के आधे किसानों की जमीन हथिया ली है। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन ये गांव भिखारियों का गांव हो जाएगा। सरपंच जी, आप सुन रहे हैं कि नहीं? कुछ कीजिए सरपंच जी। चंपा बेटी, तुम्हारा खून अपने भाई का खून देखकर खौल उठा है। तुम जोश में होश को बैठी हो है? अरे जब हम ठाकुर के खिलाफ जाएंगे ही नहीं तो वो हमारा क्यों कुछ बिगाड़ेगा, और फिर वो हमसे लगान भी तो लेता है। क्यों भाई काम मालो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? आप ठीक कह रहे हैं। क्यों भाई, जाओ अपने अपने काम पे जाओ, मैं भी चलता हूँ। चलो भाई, चलो चलो भैया। मैं ठाकुर के खिलाफ गांव के कमिश्नर को जरूर बोलूंगी, देखती हूँ ठाकुर मेरा क्या बिगाड़ता है। अनवर सुना है, चंपा भी पढ़ी लिखी है। जी सरकार। यार इन पढ़े लिखे लोगों को इंकलाब करने का शौक कहां से पैदा हो गया? कहीं ये शौक मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए। सुना है कानून वाले औरतों की आवाज जल्दी सुनते, कानून तक ये आवाज पहुंचने से पहले चंपा को उठा लो। उठा लो चंपा को। नहीं भैया। जया तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बेंगलोर में, ताकि तुम चंपा की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सको। हाँ जया, अपने अल्फाजों को रोक ले वरना। वरना क्या, मुझे भी मौत के घाट उतार दोगे? अरे तुम्हें भाई कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। आज तक हमारे खानदान में इतनी गिरी हुई हरकत किसी ने नहीं की है जो आज तुम करने जा रहे हो। भैया गिरा हूँ, अत्याचारी हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा भाई हूँ। अरे आज हमारे पास क्या नहीं है, कल तक क्या था? एक हवेली, 25 बीघा जमीन। लेकिन आज मेरी ताकत, मेरी अकल और मेरी हिम्मत ने 25 को 100 में बदल दिया, समझी? दूसरों का हक छीन कर? ईमानदारी। अरे ईमानदारी से दो वक्त की रोटी नहीं कमाई जा सकती, समझी? बहना आज जितने भी सेठ है, साहूकार है, अमीर है, कैसे? अरे उनकी बुनियाद उनकी जमीन पर खड़ी है। बेईमानी की बुनियाद पर खड़ी तुम्हारी ये हवेली ईमानदारी के तूफान के सामने ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। भैया छोड़ दो लोगों पर अत्याचार करना, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। भैया लगता है बहना तुम्हारा बचपन तक गया नहीं, जो ऐसी पचकानी बातें कर रही हो। अरे इस दुनिया में रहना है तो लोगों का हक छीनना सीखो, वरना दुनिया वाले तुम्हें जीने नहीं देंगे। भैया मैं कह रही थी बस, बंद करो अपनी किताबी बातें और चल जाओ यहाँ से। श्रावण। हाँ ये श्रावण बोल रहे। यार बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते ना। बीको तू जानता है हम किसान हैं, और किसान जब तक पूरा काम नहीं कर लेता खाना नहीं खाता रे। कितना काम बाकी है? 3 बीघा जमीन अभी जोतनी है। बाप रे, क्यों हट गई रे? क्या अरे तेरी धोती रे। भैया काम कीजिए, आप अपना काम कर लीजिए, मुझे एक जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। अरे तेरा क्या जरूरी काम है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझा? जब आपको पता तो पूछते क्यों है, मैं चला अपने काम पे। अरे सुन भीकू, निशाना तो लगाना लेकिन लड़कियों पर मत लगाना, वरना गांव की लड़कियां तुझे धो डालेंगी रे। हाय क्या चाल है, क्या ढाल है, अरे क्या माल है। अगर एक बार मेरी रजाई के अंदर आ जाना तो मैं तो बोलता हूँ रजाई के अंदर मजा आ जाएगा। अप्पू अप्पू हाँ, तो तू लड़की को जानता है ना? हाँ मैं लड़कियों को जानता हूँ। इसमें से हमारा किसी लड़की के साथ चक्कर चला देना भाई। लेकिन गुनू मेरा भी जंगल चला दो ना। क्या मुझे ऊन चाहिए? ओ क्या ओ, अबे तेरे को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा? गुलेल पैसा बोलना, मैं तो डर गया था। हाँ लेकिन चक्कर चलाना मेरा। ए गुलेल चलवा दूंगा। ले गुलेल चलाऊं गुलू? हाँ चला चलाऊं। हाँ चला बिंदास।
क्या गुलेल चलाई है? वाह 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 वाह, ला गुलेल कहाँ चली गई? इधर है, हेलो। अभी ये देख, मैं तेरे को सिखाता हूँ गुलेल चलाना। ये रहा पत्थर, ये रहा गुलेल में। अब उस सामने जो लड़की दिख रही ना, वो देख, अब देख उसका मैं मटका किस तरह फोड़ता हूँ। हाँ ये देख, वो लड़की दिख रही है? हाँ देख, वो देख सकते क्या? उसको फोड़ो। हाँ फोड़ो, नहीं फोड़ो। ये रही हो पैरों फूट गई। अरे गुरु, तुमने कौन सी गगली फोड़ दी? कौन सी फोड़ दी मतलब? अरे कौन सी गगली फोड़ दी? ऊपर की गगली रखी, नीचे की कौन सी? अरे वो खास गगली थी, अब देख असली गगली फोड़ता हूँ। देख रहा पत्थर। हाँ, अरे रही उसके सर के ऊपर की गगरी। बदमाश कही के खैर बताती हूँ तुझे। अरे अप्पू, अरे भागे भागे। अरे हकले, बहुत उदास नजर आ रहा है, क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं, गांव में कुछ मजा नहीं आ रहा है। वो क्यों? अरे एक तो ठाकुर का जुल्म, ऊपर से लगान, उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अरे हकले, हम कर भी कह सकते हैं, और हम जाए तो कहाँ जाए? अपना तो जीना यहाँ और मरना यहाँ। अरे मैं तो भुवन के साथ शहर जाना चाहता हूँ, मगर माँ, अरे माँ मुझे जाने नहीं देती। अपना गांव तो अपना गांव ही होता है, और जो मजा गांव में है वो शहर में कहाँ। आ मैं तुझे अपने गांव के जलवे दिखाता हूँ, चला जा। चारू, ऐसे मजे शहर में है? अरे नहीं। तेरी वाली काजोल नहा रही है। अरे तेरी बिंदु भी तो फुदक रही है। तो इरादा क्या है? अरे वही जो तू सोच रहा है। जब वो कपड़े बदलने के लिए आएगी ना किनारे पर, तो किनारे पर ही। अरे तेरी बिंदु तो किनारे पे आ रही है। अपना तो काम बन गया। और फिर तो कमाल किसे दे कर दे सबकी चाल। ओ भैया ना किनारे वाला, ओ अरे छोकरी ये क्या करके चली गई? भैया होली का पूरा एक दिन बाकी है, और हमको अभी से नहला के चली गई। ठहर जा भी बताते तो ठहर जा भी कहाँ को जा रही है? एक बार हाथ में आ जा, फिर तुझको बताते। आजा आजा गोरी, आजा रे पकल में, तो आजा कम से कम। अरे कितना को जा रही है? अरे अरे लकल लो बात निकल गई। अरे ठहर जा ठहर जा। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या बताएं ससुरी नाच तो हमको पूरा बाल्टी भर के हमको नहला के चले गए ससुरी नाच तो। अरे तुमको अपनी पड़ी है, कल भुवन आ रहा है। क्या बात करते हो? उसकी तैयारी भी तो करनी है। और क्या बात करते हो भैया, प्रेम भुवन आ रहा है? अरे भैया ये बात तो हम भूल ही गए थे, अब जाए करके हम अपने दोस्तों को बताते हैं भैया। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है भैया। भैया भुवन आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई भैया, गले लग जा भैया, आप चलते हैं भैया। अरे पापा जी, टेस्ट तो क्या है, जितनी शराब ग्राहक नहीं पीते उतना तो तुम पी जाते हो। बहन के टक्के शराब का अड्डा मेरा, शराब मेरी, पीने वाला मैं, तू जलता क्यों है रे? जलता नहीं हूँ भाई। कौन जलता है? कौन है वो माई का लाल जो मुझसे पंगा ले? पूरे गांव में एक ही है जो आपसे पंगा ले सकता है। कौन है? नहीं थी। कौन? गुलाबो। गुलाबो कहा है गुलाबो? अरे क्यों भटक रही?
कैस्टो तेरी तो बाजी। अरे पापा जी लड़ाई झगड़ा नहीं। क्यों? अरे पाजी लड़ाई झगड़ा मारपीट ठाकुर जैसे जालिम का काम है। कैस्टो ये तो तूने लाख रुपए की बात कही। पाजी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। पाजी आपका दोस्त भुवन शहर से गांव कब आ रहा है? बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ वही तो हमारा सबका प्यारा और चहेता है। ले दारू पी। हाँ हाँ पाजी आप पुरुष नहीं है? अरे मेरा मतलब है आप महापुरुष हैं। ये ले और दारू पी। अरे अरे भैया भुवनुआ ने हमको गोली दाई दी। नहीं विजय ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा भुवन ऐसा नहीं है। अरे हो सकता है वो अगली बस से आ जाए। अरे वो वचन का पक्का है, कहे तो जरूर आएगा। अगर वो नहीं आया तो मेरे गुलाब जामुन खराब हो जाएंगे यार। चुबे जब देखो खाने की बातें करता रहता है। इसको भुवन के आने की नहीं अपनी गुलाब जामुनों की पड़ी हुई है। भुवन से मिलने के लिए जितना हम बेचैन है वो भी तो उतना बेचैन होगा। पूरे 5 सालों के बाद आ रहा है, पता नहीं कैसा दिखता होगा। अरे मोटा हो गया होगा उनका। अरे नहीं रे, खाने पीने के मामले में भुवन हमेशा कंट्रोल में रहता है। अरे वो मोटा नहीं होगा रे। अपना भुवन आ गया। कैसे हो भुवन? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। अरे भुवन तुम भी हम गाँव वालों के लिबास में? अरे समझे नहीं कहा। अरे जैसन देश वैसन भेष कहा। अरे यार तू अच्छा बेवकूफ बना लेता यार। अरे कहा यार, तुम जैसे यारों को बेवकूफ बनाने में मजा आता है। देखा हमारा भुवन बिल्कुल नहीं बदला। अगर ये बदल गया होता तो हम सब मिलकर इसकी पिटाई नहीं कर देते। देखो भैया देखो भैया, पहले हमारी बात सुन लो, पिटने पिटाने की बात तो बाद में करो। इनकी माँ जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है। और भैया मारो मारो भैया, माँ ने बहुत बढ़िया और लज्जतदार खाना बनाया भैया। आए आ जाओ। अरे भैया है ना ठीक ठाक एकदम बढ़िया एकदम। अरे शहर में तो उसकी शक्ल बिल्कुल लटक गए भैया। शहर से कितना कमजोर होकर आया है मेरा बेटा। अरे माँ शहर में तुम जैसी माँ नहीं थी ना जो मुझे प्यार से खाना खिलाती। अगर तुम वहाँ होती तब तो मैं ए माँ को शहर ले जाने की गोली मत दे, माँ यही ठीक है। ए तू हम माँ बेटे पर जल मत। अच्छा माँ अच्छा, भुवन आ गया तो ये बेटा हो गया और अब हम कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम सब मेरे बेटे ही तो हो। अरे माँ गाँव में सब कैसे? बिल्कुल वैसा ही जैसे तू छोड़ कर गया था। अब तो ठाकुर का कहर और ज्यादा बढ़ गया है। कब आए भुवन? बस अभी अभी। अरे ये लो, भूत का नाम लिया और भूत की बहन हाजिर। चंपा तुम हमेशा मुझे किसी न किसी बात पर ताना मारती हो। क्योंकि तुम्हारा भाई गांव में तानाशाही करता है। अरे मेरा भाई तानाशाही करता है गांव में, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कसूर ये है कि जो खून तुम्हारी रगों में बह रहा है वही खून तुम्हारे भाई की भी रगों में बह रहा है। अगर ये बात है तो रावण और विभीषण के रगों में भी एक ही खून था,
तो विभीषण ही क्यों राम का भक्त निकला और रावण राम का दुश्मन? ओफो चंपा, तुम भी क्या बात लगकर बैठी हो। जया और जसवंत में जमीन आसमान का फर्क है। अरे जया अपने भाई की तरह घमंडी नहीं है, वो हमसे मिलने आई है, हमसे, समझे? अरे इन कड़वी कड़वी बातों को छोड़ो और जाकर खाना खा लो। आओ बेटी तुम भी खाना खा लो। अरे माँ, ये ठाकुर जसवंत सिंह की बहन हम गरीबों के घर खाना क्यों खाएगी? जया चंपा की बातों का बुरा मत मानना, बोलती बहुत है मगर दिल की बहुत साफ है। अच्छा भुवन अब हम चलते हैं। पर कहाँ? क्योंकि हमें शहर जाना है। क्यों? क्या भैया कल होली है? क्या होली है? तो फिर जाओ तैयारी करो। अच्छा भुवन तुम अभी आए हो, काफी थक गए होंगे, मैं तुम्हें बाद में आके मिलती हूँ। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। हाँ चलो जल्दी, चलो जल्दी आ जाओ। मैं घोड़ा काट खाया तो गधे को गुस्सा क्यों आया? हुक्म कट। कालिया 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 मेरा दोस्त, अरे ठाकुर की हवेली में तुम्हारा स्वागत है कालिया। अरे मैं कुछ हुआ? अरे दारू शरू ले गया? हुक्म कट ठाकुर, तेरे मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज कालिया के माँ की सौगंध है। सही बात है कालिया, ये ससुरा जो हरिया है उसकी बहन चंपा बहुत उचकरी है। हाँ। गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का रही है। मैं तो उस कमीने को उठा डालता और पहला बीच में आ गया। अरे तो तुम्हारा रुका हुआ काम ठाकुर हम अब ही पूरा किए देते हैं। उस सतुरी का टटवा हम ही दबा देते हैं। कालिया तू अकल का दुश्मन है। अरे पगले, ताकतवर को ताकत से, अकलमंद को अकल से, और चंपा जैसी खूबसूरत हसना को धीरे धीरे प्यार से तरसा तरसा कर माने जो मजा आए वो कहा? ठाकुर लगता है तुम ओकरा को तड़पा तड़पा के मारने के लिए कोई खास मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। सच कहा कालिया, खास दिन और खास मुहूर्त। कब है वो दिन? होली। होली
लड़की हो चंपा रानी, कल गांव में बहुत होली खेली, आज हम मेरे साथ खेलो ना। कौन हो तुम लोग? क्या करो, सबने सरदार से कहना दोबारा इस गांव की इज्जत पे हाथ ना डाले, समझा? चला, छोड़ेंगे नहीं तुझे। मैं घोड़ा काट खाया तो कहते हैं गुस्सा क्यों आया? सुना ठाकुर तूने, आज भुवन के बच्चे ने मेरे आदमियों के साथ क्या किया? मैं आज उस सत्र भोलों के टुकड़े टुकड़े करके अपने कौवे को खिलाऊंगा। रुक जा कालिया, वो जानता नहीं कांतिपुरा में पुलिस ने डेरा डाला है और किशनगढ़ और कांतिपुरा में 1 किलोमीटर का फासला है। अगर किसी ने पुलिस को खबर कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, कालिया हमेशा जोश से नहीं ठाकुर होश से काम लेता है। अगर इस ससुरी पुलिस आज कांतिपुरा में नहीं होती तो भोला को वही जिंदा काट देता। धीरज रख कालिया, धीरज रख, बहुत जल्द मैं तुझे हमला करने का संदेश देता हूँ। भुवन, हाँ बोलो। अगर उस दिन तुम ना आते तो मैं कहीं की नहीं रहती, तुमने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया। अरे बचाने वाला मैं कौन होता हूँ, करता धरता तो वो चक्रधारी है। भुवन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो बात दिल में हो उसे फौरन कहना चाहिए, कहो। मैं तुमसे, हाँ हाँ कहो, आगे कहो। वो मैं क्या बातें हो रही है? बिल्ली ने तो रास्ता काट ही दिया, अब तो कहना ही बेकार है। चंपा, अरे क्या हो जाता तुम्हें? जया को देखते ही तुम अनाप शनाप बोलने लगती हो। अगर इसी तरह से तुम्हारा रवैया रहा तो आगे से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, समझी? नहीं नहीं भुवन, आइंदा ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर देना। मैं जाती हूँ, मैं जाऊँ? हाँ जा। हमेशा मेरे लिए कितना सोचते हो। ये तो मेरा फर्ज था। भुवन, याद है तुम्हें बचपन की बात है, जब हम गुड्डा गुड्डी का खेल खेला करते थे, तुम दुल्हा और मैं दुल्हन बना करती थी। हाँ, क्या दिन था वो भी। भुवन, क्या वो बचपन का दुल्हा दुल्हन का खेल खेल ही रहेगा? मतलब? मतलब यही कि बचपन के गुड्डा गुड्डी अब जवान हो गए हैं। जया, तुम? भुवन, मैं इस बचपन के गुड्डा गुड्डी के खेल को हकीकत में बदलना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भुवन। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। अरे भैया, अरे एकदम यूं हो गया था हमारे। क्या हुआ? ठाकुर ने मेरे बैल ले लिए। क्यों? उसका कर्जा बाकी था। अरे अजीब जबरदस्ती है, कुछ करो भैया। चलो चलो भैया चलो, देखते हैं क्या हो रहा। क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहे हो? अपने औकात में रहकर बात करो। अरे चार किताब के पढ़ लिया अपने औकात भूल गए? तुम्हारे बाप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करे? अदब के दायरे में रहो और बात करो, कहो क्या कहना चाहते हो। ठाकुर,
तुम्हारे आदमियों ने जबरदस्ती रामलाल के बैल खींच चलाए। ये मेरा हुक्म था। वजह जान सकता हूँ? रामलाल ने अब तक मेरा कर्जा नहीं दिया। कितना कर्ज लिया था रामलाल ने? 500 रुपया। रामलाल अब तक तुमको 13,000 रुपया कर्ज दे चुका है। हिसाब किताब रखना मुनीम का काम है। ठाकुर, मैं बही खाता देख चुका हूँ। भैया, आपको मुनीम जी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। देखा आपने, गरीब लोग आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। भैया, उन्हें उनके बैल वापस कर दो। ये सब मुनीम जी की वजह से हुआ बहना, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मुनीम जी, बैल वापस कर दो रामलाल का। रामलाल, अपने बैल ले जाओ। अरे भैया, आज तो रामलाल के बैल मिल गए भुवन की वजह से, आज तो खुशी मनाई जाएगी। खुशी हुई बहना? खुशी मनाएंगे। अरे गांव के लिबास में तंग आ गए, आज हम शहर के कपड़े पहन के डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और धूम मचाएंगे। अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। धन धन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। मैं बोल हूँ दुनिया बोल, मैं बोल हूँ दुनिया बोल, जो बोलूँ खोल दूँ सबकी बोल, ये पैसा बोलता है। मधुबन में भले कान्हा किसी को पीसे मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किसलिए राधा जले, किसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किसलिए राधा जले, किसलिए राधा जले। गोपियाँ आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आंख तन
दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मारे की अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रे की अखियों से गोली मारे क्या लेके जाइए दिल ये बताना एक पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिल मिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हसाना है मेरे दिल तू गाए साथ साथ उसके साथियों को भी खत्म कर देना ताकि तेरे हमले के बाद उनकी कहानी भी खत्म हो जाएगी। अरे अब देखना ठाकुर, कालिया गांव पे ऐसा कहर बन के बरपेगा, ऐसा बरपेगा कि लोग कालिया के नाम से थर थर कांपने लगेंगे। जय बजरंग बली। आजा आजा कबड्डी कबड्डी अरे कबड्डी कबड्डी देना कबड्डी कबड्डी 1.5 इंच का पटला क्या कर
रहना है, कबड्डी खेल रहा है कि एक्सरसाइज कर रहा है। जय बजरंग बली। अरे कबड्डी 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 क्या रे, हमारा लुंगी का मजा करते हम लुंगी उठा के कैसे डिस्को कबड्डी दिखाते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे हम हो तुम्हारा दोस्त, पकड़ना नहीं हमारा कबड्डी खोलिया। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे कोई है, देखो क्या लाशें बिछा दी है। अरे अब तो घर से बाहर निकलो। अरे बोलो ये क्या हो गया, मारा डाकू कालिया ने। भुवन बेटा देख क्या मौत का नंगा नाच नाचा है डाकू कालिया ने। सरपंच चाचा, डाकू कालिया से हम बदला लेंगे, नहीं छोड़ेंगे उसे। बेटा भुवन, जो काम पुलिस 10 साल में नहीं कर पाई वो तुम कैसे करोगे। हम लोग किसान हैं, हल चला सकते हैं, बंदूक चलाना हमारा काम नहीं। बेटा डाकू कालिया का मुकाबला तो ठाकुर जसवंत सिंह ही कर सकते हैं, उनके पास हथियार हैं, आदमी हैं, वो ही हमको निजात दिला सकते हैं डाकू कालिया से। बेटा मगर सरपंच चाचा। बेटा मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तुम डाकुओं से मुकाबला करना चाहते हो और मैं इस गांव को बचाना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा ठाकुर के पास, मैं जाऊंगा, हाँ मैं जाऊंगा। सरपंच जी, मैं और मेरे साथी डाकू काले से तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास हथियार है, गोला बारूद है, मैं एक गोली का जवाब 10 गोली से दे सकता हूँ। हमें आपसे यही उम्मीद थी ठाकुर साहब। देखा भाइयों, मैं कहता था ना कि ठाकुर साहब ही हमें डाकू कालिया से बचा सकते हैं। अरे सरपंच चाचा, ये तो ठाकुर साहब का बड़प्पन है। ठाकुर साहब, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं नहीं सरपंच जी, ठाकुर एहसान नहीं करता, अपने फायदे के लिए काम करता है। ठाकुर साहब, हम आपका मतलब नहीं समझे। मतलब डाकू कालिया से मुकाबला करते वक्त मेरा गोला बारूद जाया जाएगा, हो सकता है मेरे आदमी शहीद हो जाए, इसीलिए मैंने ये तय किया है कि आज से तुम सब गांव वाले अपनी सुरक्षा के लिए मुझे दुगना लगान दोगे। हाँ दुगना लगान। नहीं क्यों सरपंच जी, तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं,
अरे ठाकुर साहब, हम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी है, इसीलिए तो आपके दर पर आए हैं ठाकुर साहब। अगर जिंदगी प्यारी है सरपंच जी, तो दूंगा लगान दे दो, नहीं तो डाकू काले से लड़ो, मुकाबला करो उससे। हम दुगना लगा नहीं देंगे। अरे बैठो 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 बैठो। चलो यहाँ से। मैंने कहा सरपंच चाचा चलो यहाँ से। भुवन तू देखता जा, अरे ये ठाकुर तेरी लाश पर से गुजर के दुगना लगान वसूल करेगा। आज हमारे शराब के अड्डे पर शराबियों की बड़ी भीड़ लगी हुई है। अरे क्या पाजी, आपका अड्डा और आपको पता नहीं, अरे आज यहाँ गुलाबो डांस करने वाली है। क्या क्या गुलाबो यहाँ डांस करने वाली है? अरे यार तूने मेरा दिल जीत लिया। अरे आज गुलाबो डांस करते ही सारे बेवड़े जहाँ पे जाम पड़ाएंगे पाजी, और हमारा धंधा दुगुना तिगुना चौगुना पचगुना हो जाएगा। पचगुना नहीं छठगुना, बोले छठगुना छठगुना हो जाएगा रे। अरे कैसे आज तूने पहली बार समझदारी की बात की है। बहुत दिन हो गए मुझे भी नाचे गाए, आज तो मैं भी गुलाबों के साथ ढूमके लगाऊंगा। ढूमके क्या लगाऊंगा? अरे ढूमके गुलाबों के। अरे आ जाएगी, शांत शांत आ जाएगी, आ जाएगी पर अपने दोस्तों को तो आ जाने दो। चलो रे चलो रे चलो चलो चलो। अरे भुवन, अरे तू अपने आप को समझता क्या रे? अरे तू कोई तोप है क्या? अरे ठाकुर से पंगा लेता है, मुकाबला करेगा। हाँ ठाकुर काले के साथ मुकाबला करेगा। हाँ भाइयों, ये ठाकुर से क्या लड़ेगा? अपन तो कोई इसका साथ नहीं देगा। हाँ अरे भुवन, वो ठाकुर कालिया है, कालिया जो मरा नहीं अभी तक खाकर पुलिस की गोलियां। तेरे पास बंदूक है? बंदूक? अरे हरिया, इसके पास ब्लेड नहीं तो बंदूक कहाँ से आएगी? इसके पास डबल एमए की डिग्री है, डबल एमए की। अरे सुना था कि हाथियों से गोली मारते हैं, मगर ये तो डिग्रियों से गोली मारे। लड़का कमाल ये रे, डिग्रियों से गोली मारे। भुवन, तू हमारा दोस्त है, इसलिए हम कह रहे हैं ये तेरी समाज सुधारक की बातें है ना, शहर में अच्छी लगती है, गांव है और इस गांव में वही होता है जो ठाकुर चाहता है। इसलिए हम कहते हैं कि तू ठाकुर के पास जाके माफी मांग ले। हरिया ठीक कहता है, तू ठाकुर से जाके माफी मांग ले। मैं ठाकुर से माफी नहीं मांगूंगा। तो ठीक है, शहर चला जा। मैं शहर भी नहीं जाऊंगा। देख भुवन, तू हमारा सबसे प्यारा दोस्त है, हमारा बहुत चहेता है, हम अपनी आंखों के सामने तुझे मरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्त तू शहर चला जा। मैं शहर भी नहीं जाऊंगा। तुझे हमारी बातें नहीं माननी है तो वहां से तेरी और हमारी दोस्ती खत्म। तुम लोगों का ये फैसला है तो ये फैसला मुझे मंजूर है। अरे तो सटिया गया है। मैंने तो सुना है कि लोग बुढ़ापे में सटिया जाते हैं, मगर ये तो जवानी में सटिया गया है। सुन भुवन, मैंने फैसला कर लिया है, मैं मरते दम तक यही रहूंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। यही रहेगा तो मर। चलो दोस्तों। हाँ चलो 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 चलो। क्यों बेटा भुवन, अगर गुस्सा ठंडा हो गया हो तो ठाकुर साहब के पास चलें। पर सरपंच चाचा, आप हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम आप सबका दुश्मन नहीं हूं। दुश्मन नहीं तो हमदर्द भी नहीं हो। अगर तुम्हें गांव के बहू बेटे को इज्जत की चिंता होती तो ठाकुर साहब से यूं बगावत ना करते। अरे इसके घर में कौन सी बहू बेटी है जो चिंता करे? डाकू काले जब भी इस गांव में डाका डालता है तो हमारे गांव की बहू बेटियों को उठाकर ले जाता है। हम दुगना लगान देकर डाकू कालिया से बच सकते हैं रे।
और ठाकुर ने ऐसा कौन सा बुरा कह दिया? भाई डाकू कालिया से मुकाबला करते वक्त उसके गोला बारूद भी तो जाया जाएंगे। अरे हम अपनी सुरक्षा के लिए दुगना लगान देने को तैयार हैं। ठाकुर की सोलारे बातें सच है। क्यों चाचा, क्या बोलते हैं आप? हाँ सरपंच जी। गांव वालों, मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए समय चाहिए। अरे चलो 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 भाई, चलो अपने। बेटा भवन, अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो गांव वाले सही कह रहे हैं। वैसे मैं तुम्हारे ख्याल पर भी विचार करूंगा। अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना। सोच रहे हो? सोच रहा हूं, मैं कहीं गलत तो नहीं हूं ना? सच कहूं? हाँ कहो। तुम सोलह आने सच्चे हो, गांव वालों के दुख को समझते हो, पर ये गांव वाले तुम्हें नहीं समझते। मगर जिस दिन वो तुम्हें समझेंगे तो तुम्हें अपनी सराखों पर बिठा लेंगे। ये कहकर तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया था, बाद में करना, चलो पहले रोटी खा लो। मुझे भूख नहीं है। ए मेरे क्रांतिवीर, सच्चाई की जंग भूखे पेट नहीं लड़ी जाती। लो खाना खा लो। कहीं नहीं, वो तो मैं सोच रही थी कि शाम को तुम्हारे लिए कौन सी सब्जी बनाऊं। चल छोटी, सोचते कुछ और है और कहते कुछ और है। अच्छा ये लो और खाना खा लेना, मैं चलती हूँ, भैया मेरा इंतजार करते होंगे। ठीक है, खाना जरूर खा लेना। ससुर का नाती हमसे बाजी मार के ले जा रहा है, अभी बताते हैं तुम कहाँ है। अरे ओ साथियों, ये लो ये आ गए जया ठाकुर। आए देखो किसे ढूंढ रही है आप? भुवन को कहीं देखा? नहीं देखा। अरे मैंने देखा। कहाँ? सपने में, उधर अंधेरा था ना, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था आजू बाजू, सिर्फ भुवन ही दिखाई दे रहा था। भाप, अरे यार किस मनहूस का नाम ले लिया तुमने? तुम लोग भुवन के दोस्त हो इसलिए मैंने तुमसे पूछा। जो लोग हमरा लोगन की बात नहीं मानता वो हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारी कौन सी बात भुवन ने नहीं मानी? दुगना लगान वाली बात। ओहो, अब समझी कि तुम लोग मुझे भुवन का पता क्यों नहीं बता रहे हो। ठीक है मत बताओ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। क्या खबर लाए अनवर? खबर तो ये है सरकार कि पूरे गांव वाले भुवन के खिलाफ हैं, और तो हम यार दोस्त भी उससे नफरत करने लगे हैं। बस ये समझिए सरकार, दो चार दिन में ही भुवन टूट जाएगा। खबर अच्छी है। उस पल का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार है अनवर। घुटने टेक कर साले से माफी मंगवाऊंगा। बस तुम एक काम करो, ऐसी खबर लाते रहो और ये इनाम पाते रहो। सरकार आपसे पैसे तो लेने नहीं चाहिए, मगर ये ना लूं तो ये नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, इसलिए ले लेता हूँ। उतना हरा में नहीं है जितना दिखता है। सरकार क्या करूँ, अपने बाप पर जो गया हूँ। अरे भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस देख लो जरा सी मेहनत। क्या हुआ भैया? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहो बहना, कभी तुम्हारी कोई बात टाली है मैंने? बोल क्या बोलना है। वो जो आपने गांव वालों से दुगने लगान की बात की है वो नाजायज है ना? नाजायज तो है भैया, किस तरह से गांव वाले पेट काट काट कर लगान देते हैं। अगर तुम दुगना लगान लागू करोगे फिर तो वो भूखे मर जाएंगे। जया, मैं गांव वालों के पास नहीं गया था दुगना लगान मांगने के लिए। वो अपनी जानो माल की हिफाजत करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए मेरे पास आए थे। अगर वो दुगना लगान नहीं देना चाहते तो ना सही, जाए लड़े डाकू कालिया से, करो मुकाबला। डाकू कालिया से मुकाबला करने की उनमें हिम्मत होती तो वो लोग आपके पास क्यों आते भैया? करेगा ना वो भुवन डाकू कालिया से मुकाबला। जोश में आकर सभी होश खो बैठते हैं भैया, मगर जब हकीकत सामने आती है तो साथी, रिश्तेदार,
सभी दूर हो जाते हैं। भैया मैं आपसे विनती करती हूँ, ये दुगने लगान की बात आप भूल जाइए और गांव वालों की मदद कीजिए भैया। मैं मदद करने वालों से नहीं हो जया, मैं अपने फायदे के बिना तो काम ही नहीं करता, समझी? और मेरे मामले से दूर रहो, जाओ अपने कमरे में जाओ। हाँ जय, तुम कल तुम कहाँ थे? कल मैं कांतिपुरा गांव किसी काम से गया था। मैंने कल पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों? बस यही तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था। अच्छा भुवन, हाँ क्या मैं तुम्हारी पैसों के लिए कुछ मदद कर सकती हूँ? जय, आज तुमने अपनी अमेरिका सिक्का मुझ पर लगाना चाहा, मेरी खुददारी को ललकारना चाहा, मगर मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। तुमने मुझे समझने में भूल की है। नहीं भुवन, तुम्हारी खुददारी को ललकारने का मेरा कोई मकसद नहीं था, मैं तो एक दोस्त के नाते। दोस्ती? दोस्ती को अमेरिका तरह तुम्हें तुलकर कहती हो, तुम्हारा कोई मकसद नहीं था? तुम मुझे गलत समझ बैठे, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन ये मुझ पर गुस्सा तो मत करो। अच्छा ठीक है, ये बताओ अब तुम कहाँ जाओगे? वही जहाँ हर इंसान को अकेला जाना चाहिए। ओफो, सरकार का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा है। खैर मैं तुम्हें कल मिलूंगी, मिलोगे ना? ये लो चूड़ियाँ और पहन लो। ये क्या कह रही हो माँ? मत कहो मुझे माँ, आज से तुम सब मेरे लिए मर चुके हो। माँ हमने क्या गुनाह किया है और ये कौन से गुनाह की सजा दे रही हो माँ? गुनाह तुम्हारा नहीं मेरा है, जो तुम लोगों को अपना बेटा बनाया। अरे बेटा तो वो है जो हम सब की भलाई के लिए अकेला लड़ रहा है। तुम लोगों के भरोसे उसने पहाड़ जैसे ठाकुर से टक्कर ली और तुम लोगों ने उसी का साथ छोड़ दिया। माँ तूने हमारी आंखों पर झूठों फरेब की पट्टी हटाकर हमारी आंखें खोल दी हैं। अब देखना हम सब लोग मिलकर क्या करते हैं। चलो दोस्तों, हाँ चलो, चलो, चलो। हम लोगों को माफ कर दे, हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम लोग कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी तुम सब मेरे दोस्त हो। माँ कसम अब कालिया का हम मिलकर के मुकाबला करेंगे। चलो दोस्तों। अनवर, तुम सब साथियों ने फिर से भुवन से दोस्ती कर ली? नहीं नहीं ठाकुर, ये तो सब पीकू की बाकी वजह से हुआ है। उस बुढ़िया ने रो रो कर अपने आंसुओं से पूरे गांव वालों को जज्बाती बना दिया। हाँ आंसू औरत का हथियार है अनवर, जो काम साम दाम दंड ऐसे नहीं होता, वो दो बूंद आंसू बहाने से हो जाता है। जज्बातों से खेलना तो औरतों का पुराना काम है। अब तू देखता जा, वो औरत अगर छोड़ना जानती है तो ये ठाकुर तोड़ना जानता है। तू देखता जा अनवर, मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे और तुम्हारे भुवन के साथियों के बीच जाकर अखरोट की तरह उन सबको तोड़ देगा।
तोहरी अखिया बरछी भाला और पातर पातर होठ तापर गोरी चढ़ल जवानी असली सके नोट। अरे गई भैंस पानी में। तक दिन दिन तक 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 दिन दिन तक दिन दिन तक दिन दिन दिल हाय कर दिल मोरा करे गंगूबाई आना रात बारह बजे ओए गंगूबाई आना रात बारह बजे तक दिन दिन दिल हाय कर दिल मोरा करे गंगूबाई आना रात बारह बजे ओ गंगूबाई आना बिजली की राना रात बारह बजे हाय बारह बजे अरे गंगूबाई आना रात बारह बजे ओ गंगूबाई आना रात बारह बजे।
ये पीना छोड़ दे, थोड़ी से डोले बना ले ऐसे। ऐसा हाँ बनाओ ना। अरे अरे क्या कर रहा है? अरे खड़े हो जा, खड़े हो जा। अरे इतने प्यार से भाला फेंकेगा ना तो डाकू तेरे भाला उठा के तेरे ही, समझ गया ना? हाँ मार देंगे। अरे डाकू लोग, मैं अब की पूरा डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। डालूंगा डालूगा नहीं, फेंकेगा। देख मैं फेंक के दिखाता हूँ कैसे फेंकेगा। ये देख ले, ये हाथ अब समझ में आया। ऐसे ले गया। अरे कौन है भाई? तुम लोगों में से ये भुवन किसका नाम है? क्या क्या काम है भुवन से? सुना है कि तुम लोगों ने डाकू कालिया से मुकाबला करने का ऐलान किया है। हाँ किया तो है। वही मेरा नाम करतार सिंह है और मैं भी तुम लोगों के साथ इस जंग में शामिल होना चाहता हूँ। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि मैं डाकू कालिया को हथियार सप्लाई किया करता था और एक रात को उसने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया। और मेरी बहन की इज्जत लूटकर डाकू कालिया चला गया। मुझे होश आने से पहले ही मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली और आज अपने सीने में बदले की आग लेकर यह करतार सिंह तुम लोगों के पास आया है। दोस्त हम सब मिलकर डाकू कालिया से तुम्हारी बहन का बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। लेकिन डाकू कालिया से बदला लेने के लिए इन भालों की नहीं हथियारों की जरूरत पड़ती है और हथियार के लिए हमको पैसों की जरूरत है। अब पैसों का बंदोबस्त कहां से होगा? पैसे का बंदोबस्त? हाँ यार इस बारे में तो सोचा ही नहीं। पैसे का बंदोबस्त तो हो गया। रो क्यों रहा है भिखारी माल? मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। अबे हुआ क्या? मारो घर डाको, पड़ गए ठाकुर साहब। किसे डाला? कालिया के साथियों ने मारो सारो धन ले गए और मन्ने बर्बाद कर दियो। कालिया ने डाका डाला बताया नहीं के कहो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मत। मैं पुलिस से बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, माली मिल जाएगा, डाकू कालिया भी पकड़ा जाएगा। हाँ जा चलो ठाकुर साहब। कालिया डाला बताया नहीं? घोड़ा काट खाया तो गधे को गुस्सा क्यों आया? बोल क्या खबर लाया है? सरकार ठाकुर ने आपको याद किया है। अरे जब ठाकुर की फटी तब ही तो कालिया को याद करता है। चलो देखते हैं क्या बात है। मैं घोड़ा काट खाया तो गधे को गुस्सा क्यों आया? अरे चुप कर रहे ठाकुर, हमरे आदमियों ने मारवाड़ी के घर पर डाका नहीं डाला। मैं तेरी जात से वाकिफ हूँ कालिया। मारवाड़ी के हीरे जवाहरात देकर तेरी नियत बदल गई है? अरे तूने तो दोस्ती तोड़ दी दौलत के लालच में आकर। कसम भवानी की ठाकुर, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे आदमियों ने मारवाड़ी के घर पर डाका नहीं डाला, नहीं डाला। अगर तूने डाका नहीं डाला तो किसने डाला? हाँ जी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। पायल छन छना छन ऐसे छन के
दर्द सबको घायल, कह रहा धोखा का जल, इश्क में जीना मरना। ये से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा। क्यों बंद कर दिया भाई? अरे पता है नवर, अरे कल हमने डाका कहाँ डाला? उस मारवाड़ी के घर पर, जो सवा सबके यहाँ पर डाका डालता है। अरे कल हमने उसके यहाँ पर डाका डाल दिया। ए भीकू का? अरे बुरबक कहीं का, ये बात तो हम लोगों के सामने कह दिया, कहीं गांव वालों के सामने बक दिया तो जानता है क्या होगा मालूम है? अरे, अरे हम सब हवालात में होंगे समझे? अरे हम तो इसलिए बोल रहे हैं कल यहाँ पे अनवर नहीं था ना। ये अनवर, अपनी जुबान पे ताला रखना समझा? जी भैया। मुझे तो पहले ही शक था अनवर, लेकिन तुमने मेरे शक को एक ही में बदल डाला। भुवन का नाम लेकर मारवाड़ी के घर से रुपये लूटकर हथियार खरीद लिए, वो भी मेरे खिलाफ। क्या नाम बताया उस हथियार सप्लायर का? सरदार करतार सिंह। करतार सिंह अपनी बहन का बदला लेने के लिए भुवन की टोली में शामिल हो गया। लगता है इस खरगोश टोली की दावत हमें डाकू कालिया को देनी होगी। अनवर ले। सरदार क्या खबर लाया है रे? ठाकुर ने संदेशा भिजवाया है कि भुवन को खत्म कर दो। सरदार सुना तूने? ठाकुर ने संदेशा भिजवाया है कि भुवन को खत्म कर दो। हाँ सरदार। अरे हाँ सरदार के बच्चे, खड़ा खड़ा हमरा का क्या देखता है? जाओ। चलो साथियों। अरे भुवन। हाँ? ये अभी तक करतार आया क्यों नहीं? अरे थोड़ा सब्र तो करो, आता ही होगा ना। ये लो आ गया। लो आ गया। वाह वाह क्या बात है। अरे उठाओ उठाओ पकड़ो। हेलो जी। हाँ, खोलो इसको। बंदूकें लाया हूँ। अब कल से सबकी निशानेबाजी शुरू। ओ यार बड़ा ही जोखिम का काम है, सबसे नजरें बचा के यहाँ पे लाया हूँ। अरे ये बहुत अच्छा काम किया। होशियार है ना? शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। अब कल से सब लोग निशानेबाजी सीखेंगे और टोक्यो के छक्के छुड़ा देंगे जी। उन हरामजादों का खून पी जाएंगे। वो चली साड़ा लगा। ओए की कर रहा है? बंदूक है और कुछ चिड़िया मारा की बुलेट तोड़ा ही है। ऐसे नहीं यार। अच्छा ठक ठक ठक। ये इधर लगा। आए भाई बिल्ली इधर, ये इधर। अभी आंख बंद कर। तू निशाना लगा, मैं उसको देख के आता हूँ। ये इधर से इसका बटन की तरह मिले। अरे ऐसे नहीं, हाँ इस तरह से। अरे चलाते हैं गाड़ी। अरे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करूँ। गाड़ी कर। हाँ इधर से आ। ओ यार पुत्र, ये बंदूक ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। वो छठ हाथ ये इधर ले, ये पकड़। अब देखे आंख बंद कर। बंद कर आंखे वाली। और बंद कितना? और सामने कुछ दिख रहा तनु? देख ला गोली। ओ यार ये उंगली इधर डाल। इधर डालूं भाई? ओ लगा। हाँ डाल दे। ओ दबा इसको। हाँ दबा दे। दबा। ओए यार।
जलकर इसका देखते हैं। गांव का हीरो बनने का बहुत शौक है तुझे, हैं? हमारे सरदार से टकराएगा? परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के साथ
अजाब देगा। फरियाद है तरह से क्या ना जवाब देगा, तब तो सवाब देगा मुझको अजाब देगा। क्या मेरी बंदगी में कोई कमी रही है, गुस्ताख ना समझना ये बात जो कही है। बंदा तेरा देखे जलवा। अरे कहाँ 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 लगाए हो, मिले तब ना काट खिलाए। थोड़ा काट खाया तो गदहे को गुस्सा क्यों आया, याने कि भुवना के ऊपर मौत ऐसे मेहरबान है, ससुर जैसे अनाथ बच्चा के ऊपर मदर टेरेसा। अब तो हमरा को ही लगता है कि भुवनवा की मौत हमरे ही हाथों लिखी है। सारे लोग अपनी बंदूकों को अपने कंधे से लगाएंगे। सामने देखो तुम्हें लगेगा कि डाकू कालिया खड़ा है। निशाना लगाओ, निशाना लगाओ। एक नंबर बंदूक नीचे, दो नंबर नीचे, तीन चार और पांच छह। बहुत बढ़िया जी, शाबाश। तुम सबका निशाना अब पक्का हो गया है और मुझे ये पूरा उम्मीद है कि हम डाकू कालिया से मुकाबला करने के लिए कामयाब हो जाएंगे। अगर तुम्हारी टोली में कोई गद्दार हो तो तुम लोगों की हार निश्चित है। कौन है हमारी टोली में गद्दार? अरे कौन है हमारी टोली का गद्दार बता दो, सत्र का भाई चैट को दबा दे। कौन है हमारी टोली में गद्दार? अनवर। यही है जो दोस्ती की खाल पहनकर गद्दारी करने वाला भेड़िया। पूछो इसे, तुम लोगों की हर हरकत की खबर मेरे भैया को नहीं देता। अनवर, अनवर, क्या ये कह रही हो वो सही है? नहीं। क्यों, जुबान फंस गई? अरे तू जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तुम जैसे ही मुसलमान सारे मुसलमान कौम को बदनाम करते हैं अनवर, बदनाम। तेरी खातिर एक गलती, जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, तू तो कमल के फूल से भी गया गुजरा है अनवर। तेरी खातिर सारा मुसलमान कौम बदनाम होगा। तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया तुमने ऐसा? भुवन भैया, भूख इंसान को अपना ईमान बेचने के लिए मजबूर कर देती है और मैंने जो किया गलत किया। भुवन भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भुवन भैया। रुक जाओ अनवर, गलती किससे नहीं होती। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोस्ती यारी तोड़ दें। क्या ये इस युद्ध में तुम हमारे साथ नहीं दोगे? भुवन भैया आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ उसे क्यों मार रहे हो? मैं वो भुवन, बेटा भुवन तू आ गया। मौत के सामने घुटने टेकने के बजाय तो खुद मौत के सामने आ गया। जिसके सर पे कफन बांधा हो वो मौत से डरते नहीं बल्कि मौत से मुकाबला करते। तुम कीड़े मकोड़े कालिया डाकू से क्या मुकाबला करोगे? हम कीड़े मकोड़े नहीं, चीटियां हैं चीटियां, और हाथी को मारने के लिए एक ही चीटी काफी होती है। जिस तरह से तुम्हारे दो साथी मारे गए उस तरह से तुम भी मारे जा सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ा है ताकि तुम डाकू कालिया के सामने जाके ये बात कह सको कि हम किसान सिर्फ हल चलाना ही नहीं बल्कि बंदूकें भी चलाना जानते हैं। आज तो जा रहा हूं मगर याद रखना।
सरपंच, क्या फैसला किया? तुम्हें लगान देगा या डाकू काला के हाथों मारा जाएगा? आंखों से अंधा है क्या? नीचे पड़ी लाशें दिखाई नहीं देती। ठाकुर तुझसे एक बार कह दिया ना, हम लगान नहीं देंगे। चुपचाप वापस चला जाओ, वरना वरना क्या कर लेगा बे? चींटी के भी पर निकल आया है। सब गांव वालों ने तुम्हें समझने में बहुत भूल की है बेटा। जाने अनजाने में इन गांव वाले से कोई भूल हुई हो तो माफ कर देना। अरे माफ करने की तो कोई बात नहीं सरपंच चाचा, मैं इनके जज्बातों को अच्छी तरह से समझता हूँ। गुस्से में आकर कह दिया होगा, इतना तो हक बनता है ना मुझ पर। भुवन हाँ, तो इंसान नहीं
फरिश्ता है फरिश्ता, फरिश्ता। नहीं नहीं विजय, मुझे इंसान ही बना रहने दे। अगर मैं फरिश्ता हो गया ना तो आसमान में उड़ने लगूंगा। बेटा, जिस तरह से तुमने कालिया को भगाने में कामयाबी हासिल की, उसी तरह से मोटा देवी उस समय जो कबड्डी खेलना है उसमें भी कामयाब हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कांतिपुरा के गांव वालों से विजयी होगे, विजयी होगे, उन्हें हरा दोगे। सरपंच चाचा, जब तक के मेरे साथी मेरे साथ है, मैं किशनगढ़ की हार होने नहीं दूंगा। मैं घोड़ा काट खाया तो गधे को गुस्सा क्यों आया? अरे ओ मुकेशवा, कितनी बोरी गोला बारूद है रे हमरे पास? 10 बोरी सरदार, बहुत है किशनगढ़ को शमशान बनाने के लिए। अरे कालिया, अगर गांव को शमशान बना देगा तो हम हुकूमत किस पे करेंगे? है ठाकुर, तुम तो सिर्फ हुकूमत चलाने की बात करते हो और हमको उन कुत्तों से बदला लेना है। कालिया, खटमल को मारने के लिए खटिया नहीं जला जाती, समझे क्या? अरे खटमल पर दवाई छिड़की जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी दुश्मनी किससे है? 11 जवानों से। अगर तुमने पूरा गांव जला दिया तो हमको जो लगान मिलने वाला है वो कहाँ जाएगा? और तुमको जो हम कौली कौली लड़के देता हूँ कहाँ से मिलेगी? अरे दिमाग की खिड़की खोल कालिया और आगे सोच। आगे की तुम सोचो ठाकुर, अगर हम इतना ही समझदार होते तो हम डाकू काहे को बनते? सही बात है। तो एक बात सुन, कल कांतिपुरा में मोटा देवी का उत्सव हो रहा है, वहाँ पर भुवन और उसके साथी कबड्डी का खेल खेलने आ रहे हैं। हुई ना कछु बात ठाकुर, क्या रहे हो? मिलेगा कल सबको, एक एक बोटी खिलाऊंगा। ठाकुर, जब वो सब लोग कबड्डी खेलने की तैयारी कर रहे होंगे तब हम उन्हें अब लोग पहुंचाने का निशाना साध रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जरा होशियारी से, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए कालिया कि तुम गांव वालों के लिबास में हो। अरे ओ मुकेशवा, दुनाली बंदूकियां छोड़, छोड़ छोड़ तमंचा रख, ताकि किसी को कौनो बात का खबर ना लगे। और एक बात कालिया, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए एक बात सुन, कान यहाँ ला। मुकेशवा, कल सवेरे तड़के कांतिपुरा पर हमला बोलने की तैयारी करो। चलो। अब देखता हूँ उस भुवन को। यार 1.5 फुट, और तू की कर रहा है? ये चकर भिंडी की तरह क्यों गोल गोल घूम रहा है? कबड्डी खेल है। सारे को पकड़ के उठाई दे, टांग दे, कबड्डी बीच में आने दो, सब सारे नाचते हैं, सबके सब सारे कबड्डी 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 कबड्डी
तो तू भी आ गया उठो के आ गए जैसे तुम चले आए कबड्डी कबड्डी छोड़ूंगा कबड्डी 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 क
भुवन बाबा संदेश आप पहुंचा दिया है नारे की तितलियां सब हमरे कब्जे में है। हाँ दादा, संदेशा पहुंचा चुका होगा। घोड़ा का ठाया, अरे गधे को गुस्सा आया, तब तो सबके साथ यहाँ आ रहे होंगे मौत के मैदान में। हे मुकेशवा, क्या है सरदार? चंपावती ने हमको बहुत तरसाया है रे। सरदार, इसने आपको बहुत तरसाया है, इसको आप तड़पा तड़पा के मारो। नहीं रे, जवानी के मैदान में मौत नहीं खेला करते, जवानी के मैदान में कबड्डी खेला करते हैं, कबड्डी। जैसे ही वो आएंगे तेरे मौत के फरमान पर दस्तक दे जाएंगे। ए मुकेशवा, इतिया तो बहुत करारा बोलती है रे। सरदार, आप कहे तो इसकी जुबान निकाल लूं। जब देखो ससुरा मार पीट की बात करता रहता है। अरे, हमें औरतों पर अत्याचार करना जरा भी अच्छा नहीं लगता, और औरतें तो अपने दिल की भड़ास जली कटी बातें कहकर ही तो निकालती हैं। वक्त मेरा नहीं तेरा आया है कालिया, जब तक भुवन यहाँ नहीं पहुँचता तब तक चंद सांसें और जी ले। देखो गुस्से से तितलिया कैसी लालम लाल हो गई है, और इसकी तपती जवानी पर हमरा को भुट्टा सेकने में, अरे भुट्टा सेकने में बड़ा मजा आएगा रे। छोड़ दे मुझे कमीने, छोड़ दे। कैसे छोड़ देगा ये कमीना, कैसे छोड़ देगा, जब तक वो ससुरा नामर्द यहाँ नहीं आता तब तक तो हम तुम्हारा को नहीं छोड़ सकते हैं। उन लोगों के आने से पहले तनिक दुई चार नौटंकी के ठुमके हमको भी दिखाई दो, नाचेंगे ना? मैं नहीं नाचूंगी, नहीं। नाचेंगे तो दादा। ए मुकेशवा, देखें जमीन पर गोली लगने की बजाय सिनेमा पर भी लग सकती थी, अब तो नाचेगी ना? खोल गई कर हाथ। Yeah!
करने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। तो आ गए तुम सब, आ गए मौत के मैदान में। तुम कच्चे खिलाड़ियों का स्वागत है। पूरे 11 हो ना? हाँ, हम है पूरे 11 जो आज तेरे बजाएंगे 12 तो कालिया का पुलिस डिपार्टमेंट भी नहीं बचा सकी। अरे तुम का बजाओगे? शेर के सामने कभी खरगोश खड़ा नहीं हो सकता। हम खरगोश नहीं, शोले हैं, और शोलों के सामने शेर कभी आता नहीं। तुम दबाकर भाग जाता है। शोले, अरे तुम जैसे शोलों को बुझाने के लिए कालिया का तो पेशाब ही काफी है। सुना, जैसे गंदे तेरे कर्म है वैसे ही गंदी तेरी जुबान है। मां कसम, आज मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू अपने पैदा होने पर पछताएगा। तेरी जुबान को कुत्तों को काट कर डाल दूंगा। जुबान काटने से गूंगा हो जाएगा री, इसका तो एक एक अंग काटना होगा। अरे अत्याचार के इस पेड़ को जड़ से ही काट देना पड़ेगा। मत बजा अपनी बहादुरी का इतना डंका, वरना खाक कर दूंगा तेरी लंका, ताकि कोई दूसरा कालिया डाकू पैदा ना हो सके। कालिया, तूने तो बहुत बुरी तरह मार खाई होगी, मगर आज मैं तुझे हट के मारूंगा। आज तेरे को मैं छप्पन मार के मारूंगा कालिया। कालिया, ये लोग तुझे तड़पा तड़पा के मारेंगे, मैं तुझे पिला पिला के मारूंगा। हम बदला जलू ले, लेकिन हाथी को मारने के लिए ये काफी होती है। ओए मैं तो कहता हूँ इसको जिंदा जला देते हैं, और ना रहेगी बाज ना बचेगी बहादुरी। तो गुस्सा आया, अरे क्या चिल्लाता है, हमको खाएगा। सुन, ये हमको जिंदा जलाएगा, हमको। हंसले जी भर के हंसले आज, क्योंकि दोबारा तुझे ये हंसी नसीब नहीं होगी। हाँ कालिया, तेरे को बजा बजा के मारूंगा तालिया, और सिखा दूंगा तुझे ताले बजाना। आज तक तुम्हें बजा का कमीने हम लोगों के साथ। हाँ देख कर, अरे मुर्दे घूर के, अरे सिखा दूंगा तालिया, अरे कमीने, अरे घूरो मत रे, अरे मारो रे हरामियों को। मेरे सामने से हट जा भाई ना, मैं उस कुत्ते भुवन को छोड़ूंगा नहीं। भुवन को खत्म करने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अगर मुझे तेरी लाश पर से गुजरना पड़ा तो मैं तेरी लाश से गुजर जाऊं। उस कमीने ने मुझे कई गाली छोड़ा, उस हराम खोर को मैं खत्म करके रहूंगा। नहीं भैया, छोड़ दे, तू छोड़ दे, छोड़ दे भाई ना, छोड़। ठीक है, रुक जाओ भैया। अपने भाई भी गोली चलाएगी। रुक जाओ भैया, वो मेरा यार है, मेरा प्यार है, मगर इस वक्त वो इंसाफ की जंग लड़ रहा है भैया, और उसकी इस जंग में मैं उसका साथ दूंगी। घर का बेदी लंका ठाए, जब तक खून गद्दारी करता रहेगा तब तक अपनों की हार ऐसी होती रहेगी। भैया मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। ठाकुर ने पाप जरूर किया है बहना, मगर सबूत नहीं छोड़े। सबूतों का कारवा है मेरे पास भैया, क्योंकि गांव के हर घर पर तुमने जुल्म ढाए हैं। जब तू जैसी बहन अपने भाई को फांसी में लटकता देखना चाहती है तो मैं भी तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आज मैं उस भुवन को खत्म करके रहूंगा। मैं कहती हूँ रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया। यार के लिए अपने बार बार गोली भैया। वाहे गुरु दी खालसा, वाहे गुरु दी फतेह, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये
तू एनु पकड़। अच्छा मैं देखता हूँ एनु तेरी तो। अरे मैं पकड़ूंगा, तुम मुझे कौन संभालेगा रे? अरे नाटक सरदार, सरदार बाबा क्या मारा मैंने? अरे भाग रहा है तू? देखो मुझे मत मारो। हाँ, ठाकुर को मारो, क्योंकि मैं उसके कहने पर गांव वालों पे अत्याचार करता था। कुत्ते, ठाकुर तो पाप में बराबर का साथी है, और आज हम किसी भी पापी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। साले, तूने मेरे दोस्त करतार सिंह को मार दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मार बिको, मार कमीनी को। नहीं छोड़ूंगा, इसे छोड़ना मत बिको। उधर गांव में ठाकुर को मार दिया उसके बहन ने, और आज इसे तू मार।